सलेमपुर देवरिया जनपद के सलेमपुर में बस स्टैंड बनकर होगा तैयार, जिसका शिलान्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन दयाशंकर सिंह अथवा राज्य मंत्री ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। सलेमपुर की विधायक व प्रदेश में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंच से भाषण देते हुए बताया कि काफी समय से प्रयासरत थे और बस स्टैंड के ना होने से बहुत दिक्कत होती थी। अगर बात की जाए रात्रि में 7 बजे के बाद देवरिया से सलेमपुर आने के लिए बस उपलब्ध नहीं रहती थी, जिसकी वजह से प्राइवेट ऑटो या निजी साधन रिजर्व करके आने से लोगों को 3 गुना किराया देना पड़ता था, साथ ही मुश्किल भरा सफर रहता था। बस स्टैंड के बन जाने से अब इस दिक्कत से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंच से कहा कि सलेमपुर को बस स्टैंड की सौगात मिल गई है तथा सलेमपुर में और भी विकास आए इसके लिए मैं कामना करता हूं। कार्यक्रम में मौजूद ब्लॉक प्रमुख, सलेमपुर नगर अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता सहित काफी लोग मौजूद रहे। मंत्री जी, आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम है ये? बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि 3-4 दशकों से सलेमपुर इस तहसील में बस स्टैंड नहीं था और बस स्टैंड के लिए यहाँ की जनता आस लगाए बैठी थी। और मुझे जब मैं विधायक बनी तो मैंने ये वादा भी किया, क्योंकि जैसे ही सलेमपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरते थे घंटे घंटे भर का जाम लग जाता था और हम लोग खुद ही फंस जाते थे, 2-2 घंटे तो 1.5 घंटे इस जाम में फंस जाते थे और इसकी बहुत आवश्यकता थी। जब से मैं विधायक बनी मैंने वादा भी किया था कि मैं अगर आती हूँ जीत करके तो मैं बस स्टैंड यहाँ ज़रूर बनवाऊँगी और मैंने प्रयास किया। ज़मीन को प्रोवाइड कराने में काफ़ी दिक्कतें आई लेकिन सारी दिक्कतें समाप्त हो गई और हमें ये ज़मीन भी निःशुल्क मिल गई और हमारे परिवहन मंत्री जी इस ज़मीन को लेकर के यहाँ पे बस स्टेशन बनाने का दे दिया मुझे। तो आज बस स्टेशन के शिलान्यास का ये कार्यक्रम है, चूँकि अब इसके बाद से अधिसूचना जारी हो जाएगी तो चूँकि ये परसों ही हुआ है हमारा ये आवंटन इसका बस स्टैंड का, तो मैं जल्द से 1 दिन बाद ही मैं इसका शिलान्यास भी रखे। आज भूमि पूजन होने जा रहा, हमारे परिवहन मंत्री बड़े भाई माननीय दयाशंकर सिंह जी भी देवरिया का शिलान्यास कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ करेंगे, यहाँ के बाद बलिया जाएंगे, तो वो भी पहुँच रहे हैं और पहुँच करके वो हमारे साथ शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनके हाथ से होगा। इससे सलेमपुर की जनता को बहुत ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि 9 बजे के बाद ही यहाँ से कोई बस जाने को नहीं मिलती थी, घंटों लोग सड़कों पर खड़े देखती थी, मैं जाती थी तो खड़े मिलते थे और प्राइवेट वाहनों का वेट करते थे और लिफ्ट लेते थे जाते थे या फिर ट्रेनों का घंटों इंतज़ार करते थे तो जाते थे। उधर से आने में भी सेम स्थिति थी कि टेम्पू वालों को 4 गुना 5 गुना हायर करके पैसा दे करके आते। सलेमपुर की जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस बस स्टैंड के खुलने से निश्चित रूप से सलेमपुर की जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो निश्चित क्या मंत्री जी, ये बस आज शिलान्यास है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बहुत जल्द, जितना जल्द बनने में लगता है उतना लग जाएगा, ये कोई देर नहीं होने वाली है। बहुत जल्द आज शिलान्यास हो रहा है तो काम स्टार्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से काम शुरू। और मंत्री जी, बस जो सुविधा रहेंगी क्या रात्रि 12 बजे तक मिलेगी देवरिया से सलेमपुर? 24 घंटा उपलब्ध रहेगा सुविधा? बस स्टैंड बन जाएगा और बस स्टैंड बनने के बाद में आया था, अब इस विषय में मैं चर्चा करूँगी कितनी बसें इधर से जा रही हैं, क्योंकि इसकी डिटेल के बारे में मुझे पता नहीं कितनी बसें यहाँ रुकेंगी, कौन कौन सी बसें आएंगी। हाँ, और अतिरिक्त बसों में हमने मांग किया है कि चूरिया मेहरौना के पास जो चूरिया है, चूरिया से एक एसी बस चलनी चाहिए नोएडा के लिए और सलेमपुर से एक काशी जाने के लिए बस चलनी चाहिए और सलेमपुर से एक लखनऊ जाने के लिए बस चलनी चाहिए। अतिरिक्त बस हमने 3 मांग की है, बाकी बस जितनी बसें इस रूट पे चल रही हैं प्रॉपरली उन सारे बसों को यहाँ रोकने का कार्य और कुछ डाइवर्जन का भी कार्य कि इधर से जाने वाले लोगों को 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक सुविधाएं प्राप्त हो और उधर से आने वाली बसों का भी डाइवर्जन करके इधर के लोगों को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए मैं पूरी प्रयास कर रही हूं। सांसद जी ने अभी अभी दावा किया है कि हमारी सरकार फिर बनने जा रही, क्या कहेंगे आप? ये तो दावा बिल्कुल ही सत्य है। निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार ने लगातार 10 साल जितना वादा किया, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ, 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहा, दोनों बार जितने वादे किए थे सारे वादों को पूरा किया, गांव में रह रहे अंतिम शोषित वंचित सभी के लिए उन्होंने काम किया। आज पूरी जनता, देश की जनता खुशहाल है और इतने सालों बाद हमारे प्रभु श्री राम भी आए। देखा जाए कि चुनाव सामने है, इसी समय क्यों शिलान्यास हो रहा है? नहीं, मैं इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थी और
भूमि में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। ये भूमि जो है मुझे निःशुल्क कराना था, चूँकि ये नगर पंचायत की जमीन है, ये नगर विकास से मुझे परमिशन लेना था। काफी दिक्कत था, मैं तो मुझे लग रहा है एक महीना से मैं लगातार जनता से अपने बता रही थी कि बहुत जल्द बस स्टैंड होने वाला है, तो बहुत जल्द मतलब मैं अपने प्रयास में इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये चुनाव के लिए है, ये मैं प्रयासरत एक साल से थी और इसी टाइम पे हो गया है। तो मैं जल्द से भूमि पूजन इसलिए कर दे रही हूँ ताकि ये 3 महीना 2 महीना जो चुनाव का पीरियड है उसमें हमारे काम में बाधा ना आए। ये 3 महीना पीछे काम छूट जाता, इसलिए मैं इसको भूमि पूजन काम।